हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में, और इसमें काफ़ी तेजी बनती हुई दिख रही है और ये लगभग 502 रुपये पर क्लोजिंग दिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अवंती फीड्स में इतनी तेजी क्यों बन रही है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अवंती फीड्स के जो Q1 के रिजल्ट हैं वो 25 अगस्त को आने वाले हैं, तो हम लोग उन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे कि अवंती फीड्स के Q1 के रिजल्ट किस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं और क्या इसमें जो तेजी बनी है वो आगे भी जारी रह सकती है या फिर इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। इन सब बातों पर हम लोग आज इस वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग अवंती फीड्स के फिनेंशियल ओवरव्यू को चेक कर लेते हैं कि अवंती फीड्स किस प्रकार की कंपनी है, इसके फिनेंशियल ओवरव्यू किस प्रकार के हैं। अवंती फीड्स का मार्केट कैप लगभग 6,800 करोड़ के आसपास है। अगर इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 24.67% है, जो कि काफी बेहतरीन है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 32.62% है, जो कि और भी बेहतरीन है दोस्तों। और अगर इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम लोग देखें तो ये 204 टाइम्स के आसपास है, यानी काफी बेहतरीन इनके पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं। और डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 0 है, यानी कि ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। और जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, इस स्टॉक का 52 वीक हाई 770 रुपये है, जबकि ये स्टॉक 502 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों, अवंती फीड्स के फंडामेंटल्स ओवरव्यू हम लोगों को अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों, अब हम लोग इसके रिटर्न को भी चेक कर लेते हैं कि अवंती फीड्स ने अपने निवेशकों को अभी तक किस प्रकार का रिटर्न दिया है पास्ट में, उसको भी दोस्तों हम लोग चेक कर लेते हैं। पिछले एक सप्ताह में अवंती फीड्स लगभग 5% का रिटर्न दी है, पिछले एक महीना में 7% का रिटर्न दी है, जनवरी से अभी तक 14% का निगेटिव रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 66% का पॉजिटिव रिटर्न दी है, पिछले 3 साल से 8% का निगेटिव रिटर्न दी है, 5 साल में 180% के आसपास रिटर्न दी है, और पिछले 10 साल में ये 29,965% का रिटर्न दी है। यानी कि अवंती फीड्स ने पिछले 10 साल में अपने निवेशकों का पैसा 301 गुना कर चुकी है, यानी कि ये काफी तगड़ा रिटर्न दी है अपने निवेशकों को लंबे समय में। तो हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं दोस्तों कि अवंती फीड्स के जिस प्रकार से फंडामेंटल्स ओवरव्यू काफी अच्छे देखने को मिल रहे थे और इसके रिटर्न्स भी काफी शानदार रहे हैं लंबे समय के लिए। तो अब दोस्तों, अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि बड़े निवेशकों का अवंती फीड्स में किस प्रकार का रुझान है, वहां से भी दोस्तों हम लोगों को इसके फंडामेंटल्स कमजोर या मजबूत होने के संकेत मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अवंती फीड्स में 43.8% लगातार बनी हुई है। और अगर हम लोग FIs होल्डिंग की बात करें तो FIs होल्डिंग हम लोगों को अवंती फीड्स में लगभग बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है समय के साथ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि FIs अवंती फीड्स में बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। और अगर DIs होल्डिंग की बात करें तो DIs की होल्डिंग भी समय के साथ इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी कि DIs भी अवंती फीड्स में
बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एफआईज और डीआईज दोनों ही इस स्टॉक में काफी बुलिश देखने को मिल रहे हैं, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही बता रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ये मान सकते हैं कि अवंती फीड्स के फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं काफी अच्छे देखने को मिले होंगे, तभी बड़े निवेशक भी इसमें अपना लगातार स्टॉक बढ़ाते हुए पाए जा रहे हैं। अब दोस्तों अब हम लोग इसके पास्ट के रिजल्ट को भी चेक कर लेते हैं, एनुअल रिजल्ट को, कि अवंती फीड्स के रिजल्ट पास्ट में कैसे रहे हैं, ताकि हम लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये आश्वस्त हो जाएं कि अवंती फीड्स सही में एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी है या कमजोर कंपनी। इस निर्णय को हम लोग लेने से पहले इसके फंडामेंटल्स को और डीपली चेक कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि अवंती फीड्स FY9 में 68 करोड़ का सेल्स करती थी, जिसमें से कि इसे 7 करोड़ का नुकसान हुआ था। FY10 में ये 90 करोड़ का सेल्स करती थी, जिसमें इन्हें 1 करोड़ का नुकसान हुआ था। FY11 में ये 204 करोड़ का सेल्स करती थी, जिसमें इसे 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों समय के साथ इन्होंने अपना सेल्स जो है लगातार बढ़ाया है, और FY18 तक इनका जो सेल्स है वो बढ़ कर के 2815 करोड़ का हो गया, और FY18 में इसने 415 करोड़ का लाइफ हाई प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि FY9 से लेकर के FY18 तक इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो निगेटिव हुआ करता था, वहां से इन्होंने काफी तगड़ा लाइफ हाई प्रॉफिट 415 करोड़ का किया था। तो हम लोग दोस्तों अगर इसके चार्ट को देख करके समझने की कोशिश करें तो इस पीरियड में ये काफी तेजी में रही होगी, क्योंकि ये निगेटिव से पॉजिटिव आई थी, उसके बाद लाइफ हाई प्रॉफिट रिपोर्ट की थी FY18 में। तो FY18 में इनका जो शेयर प्राइस होगा वो लाइफ हाई पर होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इनका रिजल्ट जो था वो FY18 में लाइफ हाई पर था, तो यहाँ चार्ट में भी हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो लाइफ हाई है वो लगभग मार्च एंड FY18 में लाइफ हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। लगभग 946 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर इनके प्रॉफिट को देखें तो इसमें FY19 से गिरावट देखने को मिली है। तो हम लोग FY19 से इसके चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और उसके बाद फिर से इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। और ये फरवरी 2020 में 703 रुपये पर चला गया, उसके बाद फिर लॉकडाउन की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली 281 का, और फिर वापस ये अब उच्चतम स्तर को जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम लोग इसको फिर से देखते हैं दोस्तों कि FY19 में इनका जो नेट प्रॉफिट में डिग्रोथ हुआ था, उसके बाद FY20 में इनके नेट प्रॉफिट में फिर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों ये कह सकते हैं कि FY18 से FY19 में इनका डिग्रोथ देखने को मिला था, और वापस ये कंपनी जो है ग्रोथ में जाती हुई दिख रही है FY20 में, और इनके सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी चेक कर लेते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी इम्प्रूव कर पाने में सक्षम रही है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि FY20 के मार्च क्वार्टर में इसने 69 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि इसके प्रीवियस मार्च क्वार्टर में 56 करोड़ का हुआ करता था। तो यहाँ पर हम लोग FY19 के मार्च क्वार्टर के रिस्पेक्ट में FY20 मार्च क्वार्टर में हम लोग को इनके नेट प्रॉफिट में काफ़ी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कंपनी
जिस प्रकार से FY19 में डिग्रोथ में चली गई थी, अब ये वापस ग्रोथ दिखाने में सफल हो रही है। और इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में इनका पहला ग्रोथ देखने को मिला था कि अपना ग्रोथ बढ़ाने में सफल हुई थी। तो दोस्तों, आने वाले समय में हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये Q1 का रिजल्ट लेकर के आने वाली है, उसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसके अभी तक के नेट प्रॉफिट के ट्रेंड और सेल्स ग्रोथ यही बता रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, अभी हम लोगों ने पाया कि इनके जो रिजल्ट हैं, एनुअल रिजल्ट हैं, लगातार साल दर साल निगेटिव से पॉजिटिव ग्रोथ कर पाने में ये कंपनी सक्षम रही है। और FY19 में ये डिग्रोथ में हल्की सी आई थी, हालांकि इनका प्रॉफिट मेंटेन रहा था, इन्होंने लॉस बुक नहीं किया है, प्रॉफिट इनका आधा हो गया था, लेकिन वापस ये फिर ग्रोथ में जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी ये जो Q1 का रिजल्ट पेश करेगी, वो काफी अच्छे रहने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के आधार पर ये हम लोग कह सकते हैं। और अगर दोस्तों हम लोग इसके पास्ट के रिटर्न को भी अगर चेक करें, तो इनका जो पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है, वो करीब 42% का रहा है CAGR, और प्रॉफिट ग्रोथ 73% का रहा है एवरेज, और प्राइस स्टॉक प्राइस का ग्रोथ 76% रहा है। इस प्रकार से ये कंपनी पिछले 10 सालों में काफी अच्छा कर पाने में सफल रही है। और ये जिस डिग्रोथ में आने के बाद फिर वापस ग्रोथ में जा रही है, तो हम लोग दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसके Q1 के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, इसके टेक्निकल चार्ट को देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 502 रुपये पर क्लोजिंग दिया है, और इसके जो इमीडिएट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, वो लगभग 523 रुपये के आसपास है। और जिस प्रकार से इन्होंने मार्च क्वार्टर में अपना ग्रोथ दिखाने में कामयाब रही है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जून क्वार्टर के रिजल्ट इसके अच्छे रह सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जब भी ये स्टॉक 523 रुपये को पार करेगा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को, तो हम लोग इसमें काफी तेज उछाल देख सकते हैं। और ये उछाल जो है लगभग 585 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो दोस्तों, हम लोग को इंतजार रहेगा 25 अगस्त का, जब ये कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट पेश करेगी। और उसके पहले दोस्तों, हम लोगों को इसके शेयर भाव को 523 के स्तर पर जाते हुए हम लोग देख पाएंगे। और अगर इसने 523 का लेवल तोड़ा, तो ये काफी जल्दी 585 के लेवल पर ट्रेड करते हुए पाई जाएगी अपने Q1 के रिजल्ट आने तक। तो अब दोस्तों, हम लोग को इंतजार रहेगा कि इसके Q1 के रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे, और Q1 के रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग इसके आगे के प्राइस ट्रेंड को समझ पाएंगे इनके रिजल्ट के आधार पर। तो इस प्रकार से दोस्तों, हम लोगों ने पाया कि अवंती फीड्स एक फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, और एक साल के लिए ये डिग्रोथ में गई थी, वापस ये ग्रोथ में आती भी दिख रही है, और इसके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे रहे थे। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसके जून क्वार्टर के भी रिजल्ट काफी अच्छे आ सकते हैं। इस वजह से इसमें तेजी बनती दिख रही है, और ये तेजी आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है। और फाइनली जो हम लोगों का टारगेट रहेगा, एनुअल टारगेट, वो इनके Q1 के रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद है कि दोस्तों, आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।